रिकॉर्डिंग। ऑल राइट गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है अक्षय चमद, दिख हमारा बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा वेबिनार। और आज का वेबिनार हमारा है अबाउट बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी। वर्थ इट, इज अंबेडकर यूनिवर्सिटी वर्थ इट फॉर यू? अब इसके अंदर दो ऑप्शन है, येस और नो। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी स्पेसिफिकली, तो कोई भी बच्चा जो गुड स्कोरर है, जिसके मैं कहूँ 650+ आए हैं, उनके लिए 650+ वालों के लिए इट इज़ वर्थ इट। येस इट इज़ वर्थ इट। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत नहीं है, पर मेजॉरिटी DU के कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। आई हैव बीन इन PGDAV क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, एंड इट आप ये समझ लो अंबेडकर के जैसा ही उसका मान सकते हो। और वही है, थोड़ा बहुत गंदगी रहती है। अब तो धीरे धीरे काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत कुछ हो रही है। अंबेडकर में भी मैंने देखा था, निर्फ रैंकिंग के टाइम पे इन्होंने डाला है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने 33 करोड़ समथिंग लगाए हैं, तो पैसा तो लगा रहे हैं ये लोग, राइट। पर अब वही है, धीरे धीरे ही लगता है। आप पीछे भी बैकग्राउंड भी देखोगे तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, एंड दीज आर वेरी एंशियंट टाइम की काफ़ी बिल्डिंग्स, नॉट एंशियंट मतलब पुरानी सदियों टाइप की बिल्डिंग है। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इवन दो लो है, पर यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हाई है। मैंने इनके प्रोफेसर्स देखे थे, सारे के सारे प्रोफेसर्स आर ग्रेट यू। और मैंने लिटरली इनकी एप्लीकेशन टू बिकम अ साइकोवो प्रोफेसर भी देखा, उसके अंदर इनके काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे। तो एक चीज़ दिख रही थी कि भाई PhD होगी तो रेगुलर PhD हो, कहाँ से करी है वो मैटर करे, इतने पॉइंट्स मिलेंगे आपने अगर इतने पेपर पब्लिश कर रखे हैं, मिनिमम 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए, मिनिमम 4 पे वो 2 जगहों पे आपने प्रेजेंट किया हो। तो एट द एंड ऑफ द डे इनके पास जो टीचर्स आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन के हैं। आई वुड अग्री टू दैट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर यू, तो अ स्टेट यूनिवर्सिटी विल ऑलवेज 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 गिव यू एन एज अबव एनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। किसी भी आप किसी में भी हो, एक सरकारी यूनिवर्सिटी का जो ठप्पा होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, सपोज आपको टीचर्स अच्छे नहीं मिलते, लेट मी टेल यू, टीचर्स हर जगह पे अच्छे और हर जगह पे बुरे होते हैं। आई हैव विटनेस्ड वेरी बैड टीचर्स एंड आई हैव विटनेस्ड वेरी अमेजिंग टीचर्स एज वेल। मेरी लाइफ में दोनों प्रकार के टीचर्स रहे, ठीक है। तो ये कभी भी बेसिस ऑफ जजमेंट हो ही नहीं सकता कि ये टीचर अच्छा है ये टीचर बुरा है, ठीक है, या फिर अच्छी जगह नहीं है इस वजह से। आपको एट द एंड ऑफ द डे खुद पढ़ना, ठीक है। अंबेडकर में अटेंडेंस आई गेस 65 समथिंग या 75% होती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा चिल सीन है, हल्का सा चिल सीन है। NSUT में काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा चिल सीन है। और बाकी देखो, थोड़ी बहुत गाइडेंस होती है लाइफ की, आप कहीं पे भी जाओ आपको अटेंडेंस बढ़वानी आनी चाहिए, ठीक है। DU में तो बहुत ही कम मैटर करती है, बहुत ही कम मैटर करती है। इसमें भी थोड़ा ऐसा सही है। NSUT जो है, नेशनल नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी इसलिए करती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड यूनिवर्सिटी है ना, तो वहाँ पे BTEC करते हैं बच्चे ज़्यादा इस वजह से। तो इट इज़ श्योरली वर्थ इट फॉर अ किड जिसके 650+ आए हैं। आप ज़रूर अप्लाई करो, काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि आपको मिल ही जाए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। एक कैंपस लाइफ इनकी अच्छी है, डिसेंट कैंपस लाइफ है, काफ़ी डिसेंट कैंपस लाइफ है और कश्मीरी गेट कैंपस जो है वो लिटरली जॉइंड है टू विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन, तो आप नॉर्थ कैंपस के पूरे मज़े ले गए ही एट द एंड ऑफ द डे। कश्मीरी गेट से फिर सीधा सामने वो मोनेस्ट्री मार्केट सब आ जाता है, तो ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ तक में हमारा वेबिनार का जो स्लाइड वाला पार्ट था वो होता है ख़त्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों के डाउट्स लेने को रेडी हूँ। किसको कोई डाउट है?